नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, अभी पिछले दिनों ही एक दो दिन पहले पीएफ का एक नया अपडेट आया था और पीएफ का वेबसाइट जो है मेंटेनेंस में गया हुआ था। उसके बाद कुछ घंटों में ही पीएफ का वेबसाइट मेंटेनेंस से बाहर आ गया और पीएफ का वेबसाइट पूरे तरीके से चेंज हो गया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी पीएफ का जो पासबुक का वेबसाइट है वो अच्छे से चल नहीं रहा था और दोबारा से जो है पीएफ का जो पासबुक के पोर्टल में दोबारा से प्रॉब्लम आने लगा है, एरर आने लगा है। मैं आप सभी को लाइव दिखाता हूँ और आप सभी को ये भी बताता हूँ कि कब तक ये एरर सही होगा और क्या ये एरर है। तो देखिए, मैं पीएफ की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं पासबुक का पोर्टल खोल लेता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर पासबुक का पोर्टल खोला है, अभी ये लॉगिन हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी अभी मैंने पीएफ का पासबुक खोल लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे खोल लिया है जो नया वाला पोर्टल है, एकदम अच्छे से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोबारा से यहाँ लिख के आने लगा है पासबुक पोर्टल इज अंडर मेंटेनेंस शैल बी अवेलेबल सून। मतलब कि पासबुक का पोर्टल जो है अभी अंडर मेंटेनेंस में गया हुआ है, मतलब मेंटेनेंस में गया हुआ है, बहुत जल्दी ये अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, पहली बार जो ये मेंटेनेंस में गया हुआ था अभी दो दिन पहले, तो वहाँ पे टाइम लिख के आ रहा था कि 28 तारीख को 11 बजे ये जो पासबुक का वेबसाइट है वो चल जाएगा, ये कन्फर्म था। लेकिन दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी टाइम लिख के नहीं आ रहा है, कोई भी डेट लिख के नहीं आ रहा है कि कब तक ये पीएफ का जो पासबुक का वेबसाइट है दोबारा से सही से खुलने लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे की तरफ यहाँ पे यूएन नंबर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे साइन इन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है और ना कैप्चर डालने का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। तो यही प्रॉब्लम आ रही है पीएफ की पासबुक की वेबसाइट में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये एक से दो दिन में ही सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसे लिख के आते हैं और टाइम नहीं बताते यहाँ पे, तो एक से दो दिन का टाइम लग ही जाता है कम से कम। तो दोस्तों, ये एक से दो दिन में ही सही हो जाएगा, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम सभी के साथ आ रहा है, किसी एक पीएफ मेंबर के साथ नहीं आ रहा है, जितने भी पीएफ मेंबर है सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, यही आज का ये अपडेट था। तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूं कि आप, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि पीएफ के पासबुक का वेबसाइट दोबारा से क्यों नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों, ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।